साथियों आप सभी से बेहतर ये कौन जान सकता है कि बॉर्डर एरिया की क्या चुनौतियां होती है यहां कितनी मुश्किलें आती हैं इन मुश्किलों के समाधान के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के साथ ही बॉर्डर एरिया में नौजवानों की विशेष ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है पंद्रह अगस्त को लाल किले से मैंने कहा भी था कि देश के सौ से ज्यादा सीमावर्ती जिलों में एनसीसी से युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा सीमावर्ती और समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में लगभग एक लाख युवाओं को तैयार किया जा रहा है इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना नौसेना और वायु सेना ट्रेनिंग करेगी यानी जहां सेना का बेस है वहां सेना ट्रेनिंग देगी जहां विवे विवे सेना का बेस है वहां सेना। और जहां नेवी का बेस है वहां नेवी ट्रेन करेगी साथियों इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ल्स क्रेडिट को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है ये उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेटियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बे रोल दिए जा रहे हैं मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है बीएसएफ तो उन अग्रणी संस्थाओं में है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं देश के विश्वास को बढ़ाते हैं